बर्लिन वफाकी जमहूरिया जर्मनी का दारुल हुकूमत और इसकी 16 रियासतों में से एक है। ये शुमाल मशरकी जर्मनी में बर्लिन ब्रांडनबर्ग शहरी खित्ते में वाकया है। 34 लाख की आबादी के साथ ये मुल्क का सबसे बड़ा और यूरोपीय इतिहाद का दूसरा सबसे ज़्यादा आबादी का हामिल शहर है। 1918 में जब पहली जंग अजीम ख़त्म हो चुकी थी, बर्लिन को बीमार जमहूरिया करार दिया गया। 1920 में बर्लिन के गिर्दनवा के देहात को मिलाकर एक बड़ा शहर बनाया गया जिसकी आबादी 40 लाख के करीब थी। दूसरी जंग अजीम ने बर्लिन में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई, खसूसन फिजाई हमलों से बर्लिन शहर की इमारतों को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा। जंग के बाद मशरकी जर्मनी से बड़ी तादाद में पना गजीनों ने बर्लिन का रुख किया। बर्लिन अपनी भरपूर तारीख, मुतारिक सकाफती मंजर और आर्ट, साइंस और टेक्नोलॉजी में अहम शराकत के लिए जाना जाता है। बर्लिन का एक दिलचस्प माजी ये भी है जिसे सर्द जंग के दौरान बदनाम जमाना दीवार बर्लिन ने तकसीम किया था और 1989 में दोबारा मुतहद हो गया था। आज बर्लिन पूरे यूरोप समेत दुनिया भर में टेक्नोलॉजी और रिसर्च सेंटर का मरकज है। मशहूर मर्सिडीज कंपनी जो एक नामी ग्रामी ब्रांड है, वो गाड़ियाँ बर्लिन में ही बनती हैं और दुनिया की सबसे बड़ी टेक कॉन्फ्रेंसों में से एक सालाना वेब समिट की मेज़बानी करता है बर्लिन। यहाँ सरकारी जुबान भी जर्मन ही बोली जाती है, लेकिन डच जुबान भी कसरत से बोली जाती है। अब यहाँ के तारीखी वर्षा और टूरिज्म की बात की जाए तो उनमें शामिल है ब्रांडनबर्ग गेट, चार्लोटनबर्ग पैलेस, बर्लिन कैथेड्रल चर्च, बर्लिन वॉल मेमोरियल, ईस्ट साइड गैलरी, विक्ट्री कॉलम, टोपोग्राफी ऑफ टेरर, डीडीआर म्यूजियम, जर्मन हिस्टोरिकल म्यूजियम, बर्लिन जूलॉजिकल गार्डन, जर्मन म्यूजियम ऑफ टेक्नोलॉजी और विक्टोरिया पार्क समेत बेशुमार तारीखी वर्षा म्यूजियम वगैरह जिसको घूमने के लिए आपको पूरा महीना कैम्प करना पड़ेगा। अब यहाँ की खाने वाली सौगातों की तरफ चलते हैं जिनमें शामिल हैं कड़ी वस्ट, डोनर कबाब, इसबेन, बर्लिनर फंकुचे, ब्रिटजिल्स और यहाँ की मशहूर बर्लिन बियर। जाने से पहले दोस्तों आपसे सिर्फ इतनी ही गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी मजीद वीडियोस आपको मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।